हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, इंट्रोडक्शन टू पॉलीगोन। टुडे वी विल डिस्कस द जर्नी ऑफ अ सिंपल ओपन क्लोज कर्व एंड पॉलीगोन। आज हम समझेंगे सिंपल ओपन क्लोज और कर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले कर्व। कर्व क्या होता है? द पाथ ऑफ कंटिन्यूस मूविंग पॉइंट विच ऑल्सो हैज एंड पॉइंट आर फॉर एग्जाम्पल। देखो हमने क्या कहा, कर्व क्या होता है कि ऐसा पॉइंट क्या है जिसका क्या हो, एक एंड पॉइंट हो, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसका क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो और कुछ ना कुछ उसका एंड पॉइंट हो, तो उसे हम कर्व कहते हैं। अब कर्व की करेक्टरिस्टिक क्या होती है? टू ड्रॉ दिस वी डिड नॉट लेफ्ट द पेन और पेंसिल ओवर इवन वंस। अ कर्व मे बी अ कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो क्या कहा जा रहा है कि कर्व क्या है कि ऐसी लाइन जिसमें क्या हो, हमें बार बार पेन ना उठाना पड़े। जैसे कि देखो, एक बार हमने पेन चलाया और वो लास्ट तक यहाँ तक चलेगा। जैसे कि ये देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दी गई है, ये देखो ये क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या है, जो लास्ट एक बार भी हमने पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेन को नहीं उठाया। जैसे कि चाहे ये देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लो, ये क्या, इसको उठाने के लिए एक बार भी पेन नहीं उठाया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, जिसको बनाते वक्त एक बार भी आपको पेन ना उठाना पड़े। अब शेप ऑफ कर्व, जो कि शेप है, जो कर्व की शेप नहीं है, नॉट कर्व। द ड्रॉ दिस फिगर वी पिक द पेन और पेंसिल मोर देन वन। हम यहाँ पर पेन और पेंसिल को देखो एक बार, तो देखो अब हमने उठाया है ना, ये देखो ये वाला, इसी स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। अब इसको देखो यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ से, ये देखो अब हमने फिर पेन को उठाया ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसको बनाने के लिए बार बार पेन को उठाना पड़ता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कर्व नहीं होती है, सिंपल कर्व। अब देखो सिंपल कर्व क्या है, अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट और इट्स ओन फिगर। देखो ऐसी कर्व जिसमें क्या हो, जो लाइन्स हो वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे कि इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन्स एक बार भी एक दूसरे को कट नहीं करती। देखो यहाँ से देखो, ये देखो ये लाइन क्या है, एक बार भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही। तो जब लाइंस आपस में एक दूसरे को कट ना करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल कर्व। उसके बाद नॉट सिंपल कर्व क्या होगी, जो आपस में एक दूसरे को कट करे। जैसे कि देखो यहाँ से हमने शुरू किया, ये देखो शुरू किया, ये देखो इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे कट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे कट हो रहा है, और ये तो देखो कई जगह एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या नहीं होता, एक सिंपल कर्व नहीं होता है। अब होती है क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर। देखो क्लोज फिगर क्या होगी, जो क्लोज होगी, जो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसे हम क्या देंगे, क्लोज पॉइंट। विच क्लोज फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एंड हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज एंड एरिया। उसका क्या होगा, खुद का एरिया होगा, खुद की क्या होगी, बाउंड्री होगी, और क्या होगा, क्लोज होगी वो स्ट्रक्चर, क्या होगी, क्लोज। चाहे आप कोई भी स्ट्रक्चर देखो, सब क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर। और ओपन स्ट्रक्चर में क्या होगा, एंड और जो फर्स्ट और एंड पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे, तो क्या होगी, वो स्ट्रक्चर ओपन होगी। जैसे कि देखो इसका फर्स्ट पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, इसका फर्स्ट पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, तो ये क्या होंगे, इनकी ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, ओपन फिगर। बस सिंपल मेथड याद रखो कि क्या समझाया जा रहा है, जो खुली हुई स्ट्रक्चर है उसको ओपन फिगर कह देंगे, जो बंद है उसको, जो गोल है, सर्कल है, इस तरह की। जैसे ये भी क्या है, देखो फर्स्ट और एंड पॉइंट सेम है ना, तो इसे हम क्लोज फिगर कहेंगे। अब है पॉलीगोन। पॉलीगोन देखो क्या होता है, अ सिंपल एंड क्लोज कर्व मेड अप थ्री और मोर देन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से बनी हो, दो या तीन स्ट्रेट लाइन से बनी हो, उसे हम पॉलीगोनल कहते हैं। जैसे कि देखो ये टू थ्री लाइन से बनी है, ये कितनी लाइन से बनी है, फोर फाइव लाइन से बनी है, ये फोर लाइन से बनी है। सब क्या है, स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है, उसके अंदर आप कोई भी घुमाई हुई लाइन या नहीं दे सकते हो, उसके अंदर कर्व नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर वन देखो, आउट ऑफ दिस फॉलोइंग फिगर विच आर पॉलीगोनल और जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो फर्स्ट ये क्या है, सर्कल तो पॉलीगोनल है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेक्स्ट ये पॉलीगोनल है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है सारी। थर्ड देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी कर्व हो गई, हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सिर्फ क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट है, तो ये भी क्या है, पॉलीगोनल नहीं है। नेक्स्ट देखो ये स्ट्रक्चर भी क्या है, एक पॉलीगोनल है। तो आइए करते हैं अपनी स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हैं हम। तो देखो अपना आंसर क्या है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, नो इट हैज़ नो एनी लाइन सेगमेंट। फर्स्ट के पास क्या है, सर्कल था ना, कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पॉलीगोनल नहीं है। नेक्स्ट देखो, यस इट मैच विद एवरी प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगोनल। पॉलीगोनल के साथ मैच करें ना, क्या चाहिए था हमें, स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, और क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन आपस में मैच करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगोनल कहते हैं। तो ये क्या करती है, पॉलीगोनल की प्रॉपर्टी के साथ में मैच करती है। नो बिकॉज दिस इन एंड आर हैव कट्स। इसके एंड्स पे क्या थे, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर थी ना, इसके एंड पर क्या थे, कट्स थे ना, ये देखो इस तरह से, देखो ध्यान से, ये देखो इस तरह से थे, एक मिनट, ये देखो इस तरह से कट थे ना, तो इस तरह से कट होने की वजह से इसके एंड पर क्या हो गए, कट हो गए, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पॉलीगोनल से मैच नहीं होती है। नो बिकॉज इट एंड हैज़ हैव कट्स विच आर रिप्रेजेंट नॉट एंड लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को क्लियर नहीं करते। लाइन सेगमेंट में क्या था, कंटिन्यूस लाइन सेगमेंट ही होनी चाहिए, तभी हम उसे पॉलीगोनल कहते हैं। और फोर्थ क्या था, इट हैज़ बिकॉज यस इट मैच एवरी प्रॉपर्टी। आप क्या करेंगे, ये जो देखो एवरी प्रॉपर्टी, हर क्या है, इसके साथ लाइन सेगमेंट है, तो इसकी हर एक प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है, पॉलीगोनल के साथ मैच हो रही है। तो यस बिकॉज इट मैच एवरी प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगोनल। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।